Good afternoon, friends. So last class we had completed AS 26. So today we are going to start with AS 4. It's a very easy AS, events occurring after the balance sheet date. Now पहले मैं आपको 5 minutes लगेगा, मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से लिखवा दूंगा. बेसिकली फर्स्ट अप्रैल 18 मेरा ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च 19 मेरा ईयर एंड हुआ है. ठीक है, तो ये जो साल है 18-19, राइट, दिस इज फाइनेंशियल ईयर. ऑल एक्सपेंसेस, इनकम्स, एसेट एंड लाइबिलिटीज रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 18-19 विल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल ईयर 18-19. सिंपल, ये अकाउंट्स का बेसिक प्रिंसिपल है. इस साल से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस इनकम है वो इस साल में रिकॉर्ड करेंगे, अकॉर्डिंगली मेरा पीएल और बैलेंस शीट बनता है. नाउ August 31 को अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19 इज approved by the board of director. ठीक है, so basically इस बीच जो इवेंट्स ऑकर होते हैं उनको बोला जाता है इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स. सर ये आप क्या बोलना चाहते हैं, 31 मार्च 2019 के बाद में कोई भी अगर इवेंट होता है तो वो नेक्स्ट ईयर फॉल कर रहा है, तो प्रैक्टिकली वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आना चाहिए. बट व्हाट आर यू सेइंग ऑल दिस, कुछ कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कंडीशंस एग्जिस्टेड ऑन दी बैलेंस शीट डेट. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स अ डेटर इज कंसिडर्ड डाउटफुल एज ऑन 31 मार्च, became insolvent on 31 May 2019. Basically they want to say कि इस बीच जो भी हादसा होगा any events which has occurred after the balance sheet date. Events occur कहां हुआ है, इवेंट्स ऑकर यहां हुआ है, क्या इसका कोई कंडीशन बैलेंस शीट डेट वाले दिन एग्जिस्ट करता था? यस, तो इन इवेंट्स को बोला जाएगा एडजस्टिंग इवेंट्स एंड विल बी
adjusted in financial year 18-19. फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो पीएल बैलेंस शीट बन रहा है उसमें एडजस्ट करके दिखाएंगे. अगर नो कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट तो इसको माना जाएगा नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स. Will be adjusted in financial year 1920. तो पहले आप लोग ये बना लीजिए, फिर मैं नीचे का आपको दिखा दूंगा. तो this particular AS is very simple. ये यहीं पे खत्म हो गया ये AS, इसमें और कुछ भी नहीं है. कोई भी हादसा बैलेंस शीट डेट के बाद बट अप्रूवल के पहले. आज क्या होता है, मार्च में साल खत्म हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फाइनलाइज करने में टाइम लगता है. फाइनलाइजेशन इज नॉट ए वन डे प्रोसेस. ऐसा नहीं एग्जाम में हमारा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट आया और बोल दिया पीएल बैलेंस शीट बना लो, मतलब सॉरी एग्जाम में हमारा ट्रायल बैलेंस दे दिया, कुछ कुछ एडजस्टमेंट दे दिया और बोला कि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना लो. रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. काफी सारा टैक्सेस का पेमेंट, इस साल का टैक्सेस का पेमेंट नेक्स्ट ईयर करना पड़ता है. रिटर्न फाइलिंग्स रहती है, राइट? फिगर्स को इकट्ठा करना पड़ता है. जैसे आप लोग इन्वेंटरी चैप्टर में पढ़े हैं कि स्टॉक टेकिंग इज नॉट डन एज ऑन 31st of March, इट इज डन ऑन 14th of April. सारे डेटर से कंफर्मेशन लेना पड़ता है, क्रेडिटर से कंफर्मेशन लेना पड़ता है, अकाउंट्स ईच एंड एवरी डेटर का मिलाना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स का कंप्लायंस करना पड़ेगा, जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा. तो काफी सारा चीज होता है, इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस. तो फाइनलाइजेशन होते होते फिर जुलाई में आता है मेरा जैसा आदमी ऑडिटर, जो पूरा साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई करेगा वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट इज शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑर नॉट. शेयर होल्डर्स आर अपॉइंटेड बाय द सॉरी ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर. ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर. वो शेयर होल्डर के लिए काम कर रहा है कि वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स prepared by the management is showing a true and fair view or not. तो जिस दिन साल खत्म हुआ और अप्रूवल में टाइम है, राइट, द डे ईयर एंड्स एंड द डे द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर अप्रूव्ड, उसमें टाइम रहता है. उस बीच अगर कुछ हादसा हो जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट करें? यूजुअली ये इस साल के बाद में फॉल कर रहा है तो इसको एक्चुअल में एडजस्ट करना चाहिए 1920 में. बट सपोज मान लो कोई हादसा हो जाए जिसकी जिसका भनक हमको मालूम था, जिसका जिसके बारे में हैड एन आइडिया एज ऑन 31st of March, तो उसको एडजस्टिंग इवेंट बोला जाएगा. जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं था उसको हम लोग बोलेंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं भी आपको काफी सारे एग्जांपल्स कराऊंगा, हमारे बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कृपया करके ध्यान दें. तो यहां पे एक डेटर है, दिस डेटर वॉज डाउटफुल. तो कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट एंड लेटर वो कंफर्म हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है. इसका मतलब जो भी बैड डेब्ट हुआ है वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में दिखाएंगे. बैड डेब्ट हुआ है यहां पर बट पीएल ऑफ 18-19 टू पीबीडी, और एक होता है पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. तो समझ में आया प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब. प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट मतलब इवेंट्स ऑकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, जिसका कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट. इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट,
तो इसको लास्ट ईयर ही एडजस्ट करना है, तो इसलिए प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। और डाउटफुल मतलब अभी तक वो न्यूज़ कंफर्म नहीं होता, अभी भी डाउटफुल बनाएंगे। तो बैड मतलब हो चुका है एडजस्ट इन द पास्ट ईयर, ईयर जस्ट एंडेड, और डाउटफुल मतलब अभी भी डाउटफुल है। इज दैट फाइन? यस और नो एवरी वन? आइए, सो अभी मैं आपको लिखाता हूँ, पॉइंट वाइज आप लिखेंगे राइट, और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर सिग्निफिकेंट इवेंट। छोटा मोटा इवेंटों को तो इसको इग्नोर कर देंगे, सिग्निफिकेंट होना चाहिए। दैट ऑकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑन विच फाइनल अकाउंट्स आर अप्रूव्ड बाई BOD। ठीक है, इवेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक हो गया एडजस्टिंग इवेंट्स, एक हो गया नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। Those which provide मतलब हिंट था, अब फर्दर एविडेंस मिला है। दोज विच arose subsequent to balance sheet date Is that fine? Now, इसके कुछ कुछ exceptions हैं।
पहला प्रपोज्ड डिविडेंड, जब अकाउंट्स पूरा फाइनलाइज होता है ना, फाइनलाइजेशन होने के बाद साइन होने के ठीक पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करता है कि इतना डिविडेंड देने का इच्छा जाहिर किया, तो दिस इज ऑल्सो इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. अच्छा, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको नहीं पता था कि इतना डिविडेंड देना है, बिकॉज यू डोंट नो द प्रॉफिट, बिकॉज वंस एंड अनलेस यू फाइनलाइज. तो अपना जो प्रपोज डिविडेंड है उसका कोई भी, वो तो प्रपोज है ना, इच्छा है, तो इच्छा हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो इच्छा का कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता था. तो प्रपोज डिविडेंड इज अ नॉन एडजस्टिंग, बट वो एक्सेप्शन में फॉल करता है टू बी एडजस्टेड. एंड नंबर टू, गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट, तभी भी टू बी एडजस्टेड. होता क्या है, सपोज एक मेजर फायर ऑकर होता है ना, मेजर फायर के कारण मेरा पूरा फैक्ट्री जल के राख हो गया, राइट. अच्छा, आग लगने वाला, इसका तो कोई कंडीशन बैलेंस शीट डेट में था नहीं, बट अब मेरा इसके कारण हम फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी इज इन डाउट, गोइंग कंसर्न इज इनअप्रोप्रिएट, अब मेरा बिजनेस आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएगा. तो तुम इसको ये नहीं बोल सकता कि ये नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि फायर अभी लगा है जिसका कोई कंडीशन बैलेंस शीट डेट वाले दिन नहीं था. था क्या कोई कंडीशन? नहीं. तो ये है नॉन एडजस्टिंग, बट सिंस गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट हो गया है, बोल के इसको एडजस्टिंग इवेंट मानना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है. तो मेरे को एक बात बताओ, बैलेंस शीट डेट के बाद में बैड डेट हुआ है, अप्रूवल के पहले, बैलेंस शीट डेट के बाद में, तो दिस इज इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. जिस कस्टमर का बैड डेट हुआ, क्या उसका कोई डाउटफुल था? यस, कंडीशन एग्जिस्टेड, डाउटफुल का कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट, तो यह एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा. डाउटफुल का कंडीशन वॉज नॉट देयर ऑन द बैलेंस शीट डेट, सडनली वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये नॉन एडजस्टिंग है. तो अगर एडजस्टिंग था तो लास्ट ईयर एडजस्ट कर देंगे, नॉन एडजस्टिंग होगा तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में खाली डिस्क्लोजर देना है. अच्छा, बैड डेट के कारण कोई भी बिजनेस का गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट नहीं होता है. अरे भैया, हजारों कस्टमर, उसमें एक दो बैड डेप्ट हुआ है, ठीक है. गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट जब कोई मेजर फायर हो, उस टाइप का केसेस होगा, तो भले ही वो नॉन एडजस्टिंग क्यों ना हो, उसको एडजस्टिंग करना पड़ेगा. इज दैट फाइन? तो एडजस्टिंग इवेंट मतलब जिसका कंडीशन बैलेंस शीट डेट को था, फर्दर एविडेंस मिला आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल, तो उसको इसी साल एडजस्ट कर देंगे. नॉन एडजस्टिंग मतलब खाली विच अरोज, उसका कोई कंडीशन नहीं था बैलेंस शीट डेट वाले दिन, तो खाली डायरेक्टर्स रिपोर्ट में दिखाना है, वो भी अगर सिग्निफिकेंट है तो.
कुछ कुछ नॉन एडजस्टिंग को एडजस्टिंग माना जाता है इवन इफ कंडीशन डिड नॉट एग्जिट बट गोइंग कंसर्न बिकेम इनअप्रोप्रिएट एंड प्रपोज्ड डिविडेंड. ठीक है, आइए सबसे पहला क्वेश्चन. पढ़िए आप लोग, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर वन रीड करो. आइए, इन वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ कुमारा लिमिटेड 40% ऑफ द टोटल एसेट वे डिस्ट्रॉयड इन अ फायर फॉर विच देर वॉज नो इंश्योरेंस कवर. ठीक है, द चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी कंटेंट्स दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिट टुक प्लेस ओनली आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एंड देयरफॉर देर वॉज नो नीड टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ लॉस इन द एनुअल अकाउंट्स एज एट द बैलेंस शीट डेट कमेंट. ठीक है, तो सबसे पहला अपने पॉइंट क्या लिखेंगे, पहले चेक करना है ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है. तो साफ समझ में दिख रहा है कुछ भी फायर वगैरह नॉन एडजस्टिंग ही होता है बिकॉज कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता है बैलेंस शीट डेट वाले दिन. ठीक है, पॉइंट नंबर वन, लॉस ऑफ एसेट बाय फायर कॉन्स्टिट्यूट्स इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. सबसे पहला बात, जो भी लॉस हुआ है दैट इज इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. द इवेंट डज नॉट रिलेट टू एनी कंडीशन existing at the balance sheet date and hence
It is a non adjusting event. क्योंकि अगर एडजस्टिंग इवेंट होता तो झमेला ही नहीं था. देयरफोर द बैलेंस शीट फिगर्स शुड नॉट बी adjusted. However, disclosure ठीक है may be made in director's report. ठीक है तो जो भी लॉस हुआ है फायर में वो इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है. सर फायर का अर्थक्वेक का इन सब का कुछ भी कंडीशन बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट नहीं करता था तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा. अगर ये इवेंट सिग्निफिकेंट है जाहिर सी बात है 40% ऑफ द मेजर एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है तो सिग्निफिकेंट तो है ही तो आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट में खाली डिस्क्लोजर देना है. आंसर यहां खत्म नहीं होगा आपको फिर 5 में 2.5 में ही मिलेगा. आपको इफेक्ट ऑन गोइंग कंसर्न बताना पड़ेगा. नॉन एडजस्टिंग है तो क्या हुआ अगर आपका गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट हो जाता है ड्यू टू दिस लॉस. इफेक्ट ऑन गोइंग कंसर्न बताना पड़ेगा. द ऑडिटर शुड Enquire whether the going concern is appropriate. Or not. If the going concern is not appropriate, then the event should be regarded as and therefore balance sheet figures should be adjusted.
ठीक है। ऑल्सो द फैक्ट दैट गोइंग कंसर्न इज शुड बी डिस्क्लोज्ड अंडर सो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग द एसेट। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि लॉस बाय फायर जो हुआ दैट इज इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट। साफ समझ में आ रहा है? द इवेंट डज नॉट रिलेट टू एनी कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, देयरफॉर इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो बैलेंस शीट फिगर एडजस्ट नहीं होगा। हाउएवर डिस्क्लोजर इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट इफ द इवेंट इज सिग्निफिकेंट, एंड इट्स सिग्निफिकेंट क्वाइट एविडेंट। इसका गोइंग कंसर्न में हम लोग इफेक्ट देखेंगे। ऑडिटर को इंक्वायर करना पड़ेगा कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है कि नहीं। अगर गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है तो ये एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा और बैलेंस शीट फिगर को एडजस्ट करेंगे। हाउएवर नोट्स टू अकाउंट्स में भी अपने को डिस्क्लोज करके बताना पड़ेगा। सबसे पहला इवेंट्स बताओ, इवेंट्स बताओ। इवेंट एडजस्टिंग है इस साल एडजस्ट कर दो, नॉन एडजस्टिंग है डिस्क्लोजर इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अगर गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट तो एडजस्टिंग मान लेंगे। इज दैट फाइन? हाँ ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू पढ़ते जाइए आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर बहुत सिंपल है। सेनापति लिमिटेड हैड टेकन अ लार्ज साइज सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। 29 मई को उसको पता चलता है कि 50 लाख का और खर्चा होगा जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देगा। मार्च में साल खत्म हुआ, अकाउंट से अप्रूव हो गया 15 मई को। तो सबसे पहला बात तो साफ है,
ये आपको पता कब चला? आफ्टर द अप्रूवल ऑफ अकाउंट. जब अकाउंट्स अप्रूव हो चुका है तो वापस से तो रिवाइज करके भेजेंगे नहीं शेयर होल्डर को, तो इस एएस में ये कवर्ड ही नहीं है. ठीक है, लिखो. आपको हर क्वेश्चन में प्रिंसिपल पार्ट लिखना पड़ेगा. एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है, नॉन एडजस्टिंग क्या होता है, प्रिंसिपल्स आपको लिखना पड़ेगा एवरी क्वेश्चन. राइट. मैं आपको बॉडी और कंक्लूजन लिखवा रहा हूं. द फैक्ट दैट द कॉस्ट वुड एस्केलेट बिकेम एविडेंट आफ्टर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स हैंस दिस इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एस फोर. कुछ नहीं हो सकता. जब जो अब इस साल ही आपको ये चीज दिखाना पड़ेगा. आपको पता कब चला? आफ्टर द अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, मतलब शेयर होल्डर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो कॉपी होता है एनुअल रिपोर्ट वो जा चुका है. अब कौन क्या कर लेगा? कुछ नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर थ्री. राइट. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कार्तिक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वेयर कंसिडर्ड एंड अप्रूव्ड ऑन 20 मई. कंपनी के पास में कंस्ट्रक्शन वर्क है 10 करोड़ का. इन द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क अ पोर्शन ऑफ द फैक्ट्री शेड अंडर कंस्ट्रक्शन केम क्रैशिंग डाउन ऑन 30 मई. सेम आंसर. अगर ये
balance sheet date. एंड डेट ऑफ अप्रूवल के बीच में भी अगर हुआ होता ना, तो भी ये नॉन एडजस्टिंग होता। हमको कैसे पता चलेगा कि फैक्ट्री शेड गिर जाएगा? क्या मार्च में कोई कंडीशन एग्जिस्ट करता था? नहीं, तो ओनली डायरेक्टर्स रिपोर्ट में खाली डिस्क्लोजर देने से हो जाएगा। अभी तक जितना भी क्वेश्चन कर रहा है ना, टू एंड थ्री, उसमें बाद में डेटा, तो वो तो वैसे डेफिनेशन में कवर्ड ही नहीं है। अगर डेफिनेशन में कवर्ड भी होता तो नॉन एडजस्टिंग कैटेगरी में आता। और ये हल्का फुल्का क्रैशिंग डाउन में गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट नहीं होगा। क्वेश्चन फोर, योगेश्वर लिमिटेड थेफ्ट ऑफ, इन योगेश्वर लिमिटेड थेफ्ट ऑफ कैश ऑफ 2 लाख बाय द कैशियर इन जनवरी वॉज डिटेक्टेड इन मे। अकाउंट्स अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। नाउ ध्यान से देखो, अगर यहां पर ड्यूरिंग द ईयर कोई भी थेफ्ट हुआ है तो बट ऑब्वियस है कैश अकाउंट बैलेंस and physical cash is not matching। तो इसका मतलब theft का condition existed। condition existed on balance sheet date। जो कि आगे जाके कंफर्म हो गया। सो दिस पर्टिकुलर इवेंट इज रिगार्डेड एज एडजस्टिंग इवेंट। क्या माना जाएगा इसको? एडजस्टिंग इवेंट। लिखिए, अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई भी थेफ्ट हुआ तो कैश बैलेंस तो टैली नहीं करेगा ना फिजिकल कैश के साथ। बुक्स में दिखाएगा 2 लाख, बुक्स में दिखाएगा 5 लाख, लेकिन फिजिकली ये 3 लाख, 2 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा है। तो कंडीशन तो एग्जिस्ट था ही, आगे जाके तहकीकात किया तो पता चल गया, कोई से भी करके सबूत वबूत निकाला, कुछ भी करके सीसीटीवी फुटेज देखा, जो भी देखा, कंफर्म हो गया कि चोरी हुआ है। सिंस थेफ्ट ऑफ कैश टुक प्लेस इन जनवरी, देयरफोर condition existed on the
बैलेंस शीट डेट, ठीक है श्रीधर, तनिषा, ओके देयरफॉर डिटेक्शन ऑफ डिफॉल्केशन इज एन एडजस्टिंग इवेंट एंड बैलेंस शीट फिगर्स शुड बी एडजस्टेड. कैश को कम कर देंगे और कैश डिफॉल्केशन बोल के लॉस दिखा देंगे. एक क्वेश्चन लिखो इसी का एडिशनल पार्ट. व्हाट विल बी योर आंसर इफ द लॉस इज डिटेक्टेड आफ्टर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स. मतलब चोरी यहां हो गया है जनवरी में, मतलब कैसे पता चला चोरी और बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट. अच्छा डेट ऑफ अप्रूवल, ये है डेट ऑफ अप्रूवल, यहां पर डिटेक्ट हुआ है. कैश डिफॉल्केशन डिटेक्टेड. तो अभी फॉर द टाइम बिंग तो ये इस एएस के बाहर है, सिंस इवेंट ऑकर्ड आफ्टर डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, देयरफॉर it is not covered under AS4. AS4 में तो covered नहीं है सर ये, भैया अगर हादसा हुआ तब ना चेक करोगे कंडीशन, हादसा हुआ ही नहीं बाद में हुआ है. इन फाइनेंशियल ईयर 1920 it will be adjusted as prior period item. और क्या,
क्योंकि एक्चुअल में तो ये 18-19 को रिलेट करता है, क्योंकि अकाउंट्स अप्रूव हो चुका है, बोल के आप अभी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आप बाद में ही एडजस्ट करेंगे। इसमें प्रायर पीरियड नहीं होगा, बिकॉज देयर वाज नो कंडीशन ऑन बैलेंस शीट डेट। आज भैया अगर खर्चा बढ़ जाता है, हमको क्या मालूम था कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा? ठीक है सर, हमको बात बताइए, बैलेंस शीट डेट और अप्रूवल के बीच में हादसा हुआ है तो ही अकाउंट फॉर करना है, अप्रूवल के बाद हुआ है तो सीधा लिख देंगे आउटसाइड द परव्यू। इस साल एडजस्ट होगा, ठीक है, अगर पिछले साल को रिलेट करता है तो प्रायर पीरियड हो जाएगा, एडजस्ट इस साल होगा, अप्रूवल के बाद में है तो एडजस्ट इस साल हुआ, बट पिछले साल को रिलेट करता है बोल के प्रायर पीरियड। क्वेश्चन टू में अप्रूवल के बाद तो एडजस्ट इस साल होगा लेकिन पिछले साल को रिलेट करता है, ऐसा तो कुछ पता नहीं है क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट था कि नहीं, नॉर्मल एक्सपेंस बढ़ा है तो यहां पे वो प्रायर पीरियड वाला बात नहीं लिखा हुआ है। इसमें भी वो प्रायर, क्वेश्चन नंबर थ्री में भी प्रायर पीरियड वाला बात नहीं लिखा, ठीक है। तो मैं आपको एक ठो समरी दे रहा हूं, बैलेंस शीट डेट डेट ऑफ अप्रूवल, इवेंट्स, अच्छा ये है 18-19, अगर एडजस्टिंग इवेंट है फाइनेंशियल ईयर 18-19 में एडजस्ट हो जाएगा। नॉन एडजस्टिंग है फाइनेंशियल ईयर 1920, एक्सेप्शन भूलना मत, प्रपोज डिविडेंड, गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट, ये दोनों केसेस में फाइनेंशियल ईयर 18-19। नॉट कवर्ड अंडर डेफिनेशन, तो ध्यान देना, मतलब बाद में हुआ है रिलेटेड टू 18-19, एडजस्ट इन फाइनेंशियल ईयर 1920 एस प्रायर पीरियड रिलेटेड टू 1920
adjustment in financial year 1920. बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो चार्ट हमने दे दिया है ना, समझ लो गुरु मंत्र है ये। पहला बात तो साल के बाद में हादसा हुआ है और एडजस्टिंग है, तो ये पिछले साल वाला एडजस्ट कर देंगे। नॉन एडजस्टिंग है तो इसी साल एडजस्ट होगा, इसमें एक्सेप्शन है। और अगर डेफिनेशन में नहीं है तो डेफिनेशन में नहीं है तो देखो एडजस्ट 1920 में ही हो रहा है। अगर पिछले साल को रिलेट करता है तो प्रायर पीरियड, इस साल को रिलेट करता है तो नॉर्मल। आइए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बस खाली आप लोग लिख लीजिए, एटीन नाइनटीन का जो डायरेक्टर रिपोर्ट है उसमें डिस्क्लोज होगा बस। Is that fine? एस कंपनी क्रिएटेड प्रोविजन ऑफ 75,000 व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च।
On 31st March, in a meeting with its staff welfare association, it was decided to increase the amount of provision for staff welfare to 1 lakh. एडजस्टिंग इवेंट है, आपने ऑलरेडी प्रोविजन बनाया, मतलब ये तो श्योर है कि आपको देना है, तो कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट और उस दिन या दो चार दिन बाद, बट अप्रूवल के पहले आपका मीटिंग हुआ और आपको प्रोविजन बढ़ाने बोला जा रहा है, इट्स एन एडजस्टिंग इवेंट 110%। When I have made a provision in my books, इसका मतलब condition already exist करता है। अब वो provision हमने 31st March को already provision बना रखा है, बाद में जाके revise करना है, meeting में final हुआ है, तो ये adjusting event माना जाएगा, 25,000 से बढ़ाएंगे। नंबर सिक्स, कंपनी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल इट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी। मेरे बैलेंस शीट में 7 लाख में है, मैंने उसको बेचा है 35 लाख में। एग्रीमेंट टू सेल कंक्लूड हो गया 31 जनवरी को, बट सेल डीड रजिस्टर्ड हुआ 30 अप्रैल को, एंड 15 मई को नाउ ध्यान से देखो, पढ़ लिया आप लोगों ने, पूरा कहानी सुनाता हूं मैं आपको। ये मेरा 31st मार्च मेरा फाइनेंशियल ईयर है और 15 मई को डेट ऑफ अप्रूवल है। अच्छा, एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटेड प्लस पोजेशन हैंडेड ओवर राइट। तो आपका एग्रीमेंट टू सेल बन चुका है,
right? Now, registration is not a relevant criterion in determining the ownership of the asset. ये हम लोगों को भी पता है, section 53A transfer of property act. आपने house property में section 27 पढ़ा होगा, deemed ownership. अगर मेरे को possession मिल जाता है in part performance of a contract, तो then I will be regarded as the deemed owner, even though the property is not yet registered in my name. So agreement to sell execute ho gaya hai, possession handed over, risk and reward passes on to the buyer. Mere registration will not determine everything. It's just a legal formality. To kehne ka matlab hai, sale should be recorded immediately without any delay. Acha. हम तुमको प्रॉपर्टी बेच रहा है, इसका कंडीशन एग्जिस्टेड है क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है. तो कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट, विच इज फर्दर कंफर्म्ड 30 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन भी हो गया है. एडजस्टिंग इवेंट है ये. द सेल एंड द गेन. शुड बी रिकॉर्डेड immediately. बेटा ये तो जस्ट एक लीगल फॉर्मेलिटी है, इट इज जस्ट अ लीगल फॉर्मेलिटी. सेल हुआ है कि नहीं ये तो एग्रीमेंट टू सेल से पता चल ही गया. The asset has been sold before the balance sheet date as evidenced by execution of agreement to sell and handing over the property. Therefore, should be recorded in financial statement immediately.
और ये जो सेल डीड बाद में रजिस्टर्ड हुआ है ये एडजस्टिंग इवेंट है, तो ऑलरेडी तो रिकॉर्ड हो चुका है। पहला बात तो सेक्शन 53 के हिसाब से, ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से तो सेल हो ही चुका है, तो आपको तो वैसे भी इमीडिएटली दिखाना चाहिए। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो जो सेल डीड रजिस्टर्ड हुआ है दैट इज अ एडजस्टिंग इवेंट एज उसका कंडीशन ऑलरेडी एग्रीमेंट टू सेल तो एग्जिस्ट करता है ना बैलेंस शीट डेट वाले दिन। पढ़ो देखो दिमाग खुल जाएगा एकदम। दो टाइप से आप अपना प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखो दो टाइप होता है, एक होता है जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं ऑप्शन वन, एक होता है एग्रीमेंट टू सेल, और फिर रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार, और एक होता है सीधा रजिस्ट्रेशन वाले दिन ही हमें आपको पेमेंट वेमेंट कर दूंगा खेल खत्म। मतलब बहुत लोग विदाउट एग्रीमेंट टू सेल भी काम करते हैं। इसमें एग्रीमेंट बन चुका है तो 12 में देखिए, हमने अभी प्रपोजल भेजा है, और डीड का रजिस्ट्रेशन हुआ है 15 अप्रैल को, तो प्रपोजल डज नॉट कोई एग्रीमेंट टू सेल कंक्लूड थोड़ी हुआ है। मैंने इच्छा जाहिर की मैं खरीदूंगा तो क्या क्या चीज का ये। सो हुआ क्या, क्वेश्चन 7 में हमने फाइनेंशियल ईयर में प्रपोजल भेजा है,
तो नो कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट, तो 15 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन हुआ है तो ये नॉन एडजस्टिंग माना जाएगा, क्योंकि देयर वॉज नो कंडीशन विच एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट। यहां पे क्या था, एग्रीमेंट टू सेल कंक्लूड हो गया है पहले, यहां पे कोई डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन केस है ये, तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन केस में नो कंडीशन एग्जिस्टेड। आज मैंने प्रपोजल भेजा, कल को मैं नहीं भी तो खरीद सकता था, तो इस केस में आपका ऑप्शन टू में ये इंपॉर्टेंट है आपका। सो नो कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट। आज 15 तारीख को जो हादसा हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, मैंने प्रॉपर्टी खरीदा, क्या इसका कोई सबूत है आपके पास, कोई कंडीशन एग्रीमेंट टू सेल वगैरह कुछ है बैलेंस शीट डेट? नहीं, नथिंग। सो इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। टू बी एडजस्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 1920, हाउएवर डिस्क्लोजर इन नॉन एडजस्टिंग अगर सिग्निफिकेंट है तो डिस्क्लोजर आएगा। अगर एग्रीमेंट टू सेल है तब ठीक है, विदाउट एग्रीमेंट टू सेल में रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। मेरे को एक बात बताओ, मैंने ठीक है साल के पहले आपने मार्च में प्रपोजल भेजा है, प्रपोजल भेजने का मतलब थोड़ी होगा कोई एग्रीमेंट, तो मुखित है, ओरल है, ओरल का क्या वैल्यू है बताओ, बताओ सीधर, कोई वैल्यू है? ओरल का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता है, सो नॉन एडजस्टिंग हो गया। इसी साल इसको एडजस्ट करेंगे, लेकिन पिछले साल का जो डायरेक्टर रिपोर्ट है उसमें खाली डिस्क्लोजर आएगा। क्वेश्चन 8, एडवाइस कंपनी अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। 15 अप्रैल ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बाय फायर, फायर मार्च में हो गया था, एक कस्टमर है जो इंसॉल्वेंट हो गया, तो अगर मार्च में उसका फैक्ट्री जल के राख हो गया तो बट ऑब्वियस ए कंडीशन एग्जिस्टेड कि भैया अगर किसी को सामने वाले के किसी को नुकसान हो जाएगा तो कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट। मेरे कस्टमर के घर में आग लग गया, उसका गोडाउन में आग लग गया, उसका सारा माल जल के राख हो गया, तो जाहिर सी बात है वो इंसॉल्वेंट हो गई, तो आग मार्च में लगा तो उसका गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट मार्च में हो गया, तो दैट कंसिस्टेंट कि मेरा पैसा डाउटफुल हो गया, 15 अप्रैल को कंफर्म हो गया ही वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट।
तो इट इज टू बी रिगार्डेड एज एडजस्टिंग इवेंट. ये हम लोग ऑलरेडी एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुका है. वी स्टार्टेड विद दैट ओनली. ये वाला डाउटफुल क्यों? क्योंकि उसका फैक्ट्री में आग लग गया है. फायर इन फैक्ट्री. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट अगर ये आग बैलेंस शीट डेट के बाद लगता तब तो कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो नॉन एडजस्टिंग इसी साल एडजस्ट करते हैं. Is that fine? क्वेश्चन नंबर 9 सेम आंसर है. फरवरी में अर्थक्वेक आया तो उसको हैवी लॉस लग गया है, तो कंडीशन एग्जिस्टिंग की डाउटफुल है, पैसा नहीं मिलेगा. मार्च में अप्रैल में कंफर्म हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया वो. तो ये जो जनरल प्रोविजन बनाया गया ना 5% ऑन डेटर, तो पहले अपन क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, डेटर को अपने बचपन में किया बाइफरकेट करेंगे, स्पेसिफिक डेटर जनरल डेटर. जनरल डेटर का 5% ठीक है, स्पेसिफिक डेटर पे 100% प्रोविजन बनेगा. ऑन स्पेसिफिक डेटर 100% प्रोविजन. क्वेश्चन नंबर 10 देखो. पांच केस दिया हुआ है, हमने सारा पढ़ाया, उसका समरी है ये. मेजर फायर डैमेज कर दिया एसेट को 5 अप्रैल को. फायर नो कंडीशन एग्जिस्टेड, नॉन एडजस्टिंग है.
खाली डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज होगा, अगर गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट हुआ तो ये एडजस्टिंग माना जाएगा, तब बैलेंस शीट फिगर विल बी एडजस्टेड। तो पूरा वो अपने लिखेंगे जैसा अपना किया था। कोई हमारे खिलाफ केस किया हमको क्या पता रहेगा, सपना में थोड़ी आएगा नॉन एडजस्टिंग। प्रपोजल वाला भी नॉन एडजस्टिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी अभी जस्ट कराया। हमको कोई बिजनेस खरीदना है, सारा टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो गया मार्च में, बट लेन देन हुआ अप्रैल में, तो एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा। कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है ना। पार्ट फोर एडजस्टिंग इवेंट, पार्ट फाइव आफ्टर अप्रूवल डिटेक्ट हुआ है तो अभी समरी लिखाया था ना रिलेटेड टू लास्ट ईयर, प्रायर पीरियड आइटम बोल के एडजस्ट करेंगे। इज दैट फाइन? बोलो क्वेश्चन नंबर 11। You are the auditor of a manufacturing company whose year ended 31st March. Balance sheet date के बाद हुआ but before approval, 20 जुलाई को auditor report approve किया है। Sales ledger balance मतलब debtor 95,000 का था year end में। On this date, based on facts and circumstances, the company estimates that this debtor may become insolvent. एंड तो कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है, यस और नो? हमने भैया गैदर किया है तो इस दौरान खाली 65 ही मिला, तो बाकी 30 जब भी आपको डाउटफुल लगे ना तो आप पूरा 100% डाउटफुल होता है बेटा, कोई आधा अधूरा डाउटफुल नहीं होता है। राइट तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, सिंपल केस है।
Right. Question 12. मेरे खिलाफ एक केस चल रहा था और आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल मैंने जीत लिया उसको. तो मैंने जो प्रोविजन बनाया था क्योंकि मेरे खिलाफ केस चल रहा था तो सो दिस इज इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. तो ये एडजस्टिंग इवेंट है तो हम लोग प्रोविजन को रिवर्स कर देंगे. कंडीशन एग्जिस्ट होना चाहिए. एडजस्टिंग इवेंट का खासियत ही ये है कि कंडीशन मस्ट एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट. राइट. Winning of the case by the company after the balance sheet date constitutes additional evidence in deciding the treatment of the matter. ठीक है. इज दैट फाइन. केस तो चल ही रहा था. Therefore, it is an adjusting event. Provision made earlier should be reversed. Is that fine? नाउ इसमें खास बात क्या है. कई बार क्या होता है कंडीशन एग्जिस्ट करता है बट हमको मालूम बाद में पड़ता है. जैसे चेक डिसऑनर ड्यू टू
due to difference in signature. आज हमने चेक इश्यू कर दिया, लेकिन ये यहां के डिसऑनर हो गया, बोलता है सिग्नेचर नॉट मैचिंग. तो पहला बात तो ये इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट है. अगर कोई चेक का सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है तो इसका तो कंडीशन मालूम ही है, बट हमको पता चला बाद में. तो कंडीशन एग्जिस्टेड, दो केम टू नोटिस आफ्टरवर्ड्स. क्योंकि ये ऐसा कंडीशन है जो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, क्लियरिंग हाउस आरबीआई वेरीफाई करता है. तो अगर कोई चेक हमको मिला है वो डिसऑनर होता है सिंपली बिकॉज सिग्नेचर नॉट मैचिंग. तो पहला बार डिसऑनर हुआ यहां पर, तो ये क्या माना जाएगा? इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. बरोबर है? हाँ, इट इज एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, जिसका कंडीशन एग्जिस्ट करता था बट अपने को बाद में मालूम पड़ा. तो इसको क्या मानेंगे अपन? ये हमारे लिए है एडजस्टिंग इवेंट. तो हम लोग क्या करते, याद है बीआरएस में जो अमेंडेड कैश बुक शो चेक डिसऑनर इफेक्ट इन अमेंडेड कैश बुक. इसी साल एडजस्ट कर देंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. तो कुछ कुछ कंडीशन होता है. आज आपने चेक इश्यू किया, आपने जमा किया तो मालूम है चेक चेक सिग्नेचर. अगर मान लो आगे जाकर डिसऑनर होता, मतलब मालूम है ना चेक डिसऑनर होगा, लेकिन ये मेरे मेरे दिमाग में नहीं था क्योंकि आई कैन नॉट वेरीफाई द सिग्नेचर. कई बार क्या होता है, लोग ऐसा करते हैं, ये बैलेंस शीट डेट, ये डेट ऑफ अप्रूवल. अभी हमने एक चेक इश्यू किया, ठीक है. नाउ चेक वॉज रिटर्न्ड एंड
It was not presented. मतलब मैंने तुमको दिया, हो सकता है सामने वाला से गलती से कोई छूट गया हो चेक जमा, सडनली क्या हुआ मेरा चेक मेरे को वापस कर दिया, राइट? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ठीक है? नो कंडीशन एग्जिस्टेड, इस डिसऑनर का कोई कंडीशन है क्या? तो नॉन एडजस्टिंग माना जाएगा, पिछले साल में इसको नहीं कर सकते, इस साल डिसऑनर दिखाना पड़ेगा। और अगर मटेरियल है, इफ मटेरियल, ठीक है? कई बार क्या होता है, अपने को चेक अप्रैल में मिलता है, उसमें डेट आप पहले का दे दिए हैं, समझ में आ रहा है? डेट आप पहले का दे दिए तो वो उसमें नहीं चलेगा, क्वेश्चन नंबर 15। हो गया थोड़ा देर, बस 5-10 मिनट और। ध्यान से पढ़िए, कंपनी रिकॉग्नाइजेस चेक डेटेड 31 मार्च और बिफोर, रिसीव फ्रॉम कस्टमर आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय डेबिटिंग चेक्स इन हैंड, नहीं होगा, आप इसको नहीं दिखा सकते। अगर आप मार्च में आपको मिला तो मार्च में डिपॉजिट करते भैया। अगर सी सोचो, लोग क्या करते हैं अपना डेटर को, डेटर का बैलेंस को कम दिखाने का चक्कर में, बुक्स में डेटर का नाम नहीं दिखाने, क्योंकि डेटर दिखाने से उसका स्क्रूटनी में आने का चांसेस होता है। आज मान लो मैंने अपना डेटर दिखा रखा है 10 लाख रुपए का,
मैंने एसेट दिखा रखा है जस्ट टू इन्फ्लेट माई कैपिटल पोजिशन, तो डेटर का क्या पोजिशन है? हो सकता है ना तो मैं किसी से चेक ले लेता हूं, तो ये आप लोग जब ऑडिट करेंगे ना तब आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। बट एज ऑफ नाउ सिंपली सोचो कि कोई भी चेक अगर आप जमा कर रहे हैं अप्रैल में, रियलाइज भी अप्रैल में हुआ है, भले ही उस चेक में डेट मार्च का क्यों ना हो, यू कैन नॉट शो इट एज एन एडजस्टिंग इवेंट, इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्वेश्चन नंबर 15 में लिख लीजिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट। cannot be shown as checks in hand on the balance sheet date. Now, इसमें एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 16 देखो। इस चीज को हम ऑथेंटिक बना सकते हैं चेक डेटेड 31st मार्च और बिफोर। मेरा बंदा जाके मार्च के पहले कलेक्ट करके आया तो वहीं पे रिसीप्ट हो गया, यस और नो? द एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी have collected the amount before 31st March and it constitutes a received by the company। मेरा बंदा जाके लेके आया, उठा के लाया चेक कस्टमर के पास में से, बिफोर द बैलेंस शीट डेट, अच्छा तो इसका मतलब मेरा बंदा जाके चेक को उठा के लाया, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ रिसीप्ट बाय द कंपनी बिफोर द बैलेंस शीट डेट, तो आई कैन इजीली से दैट कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट। यहां तो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे ना, चेक में डेट लिखा हुआ है 25 मार्च का,
आप उसको जमा कर रहे हैं 6 अप्रैल को. हाउ विल यू प्रूव दैट द चेक हैज बीन रिसीव बाय यू इन द मंथ ऑफ मार्च? नॉट पॉसिबल. लेकिन अगर मेरा बंदा जाके उठा के ला रहा है तो रिसीप्ट दे के आ रहा है. तो इसका मतलब सब्सिक्वेंट रियलाइजेशन इन अप्रैल कंफर्म्स एडिशनल एविडेंस ऑफ कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट. तो इसको क्या मानेंगे हम लोग? एडजस्टिंग इवेंट. सो नाउ अपने बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं इसको. चेक्स इन हैंड. अदर्स नॉन एडजस्टिंग. कोरियर के थ्रू आया, कोरियर रिसीव्ड आफ्टर 31 मई. ये सब में आप चोरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास पोस्ट ऑफिस में रिकॉर्ड जा रहा है कि कितना तारीख को डिलीवरी हुआ है. चेक का डेट भले ही पहले का क्यों ना हो, कोई भी कारण से अगर आपको मार्च के बाद मिलेगा तो आपको तो पता नहीं है ना कि आपको मिलने वाला है, तो देयर इज नो कंडीशन, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा. लेकिन जब आपका बंदा खुद मार्च के पहले उठा के ला रहा और जमा अप्रैल में कर रहा है, चल जाएगा. Is that fine? I hope आप सभी को समझ में आ गया है. तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, घर में जाके बस खाली ये AS एक बार पढ़ना है. तो चेक से रिलेटेड सारा मैटर समझ में आ रहा है. डिफरेंस इन सिग्नेचर के कारण अगर डिसऑनर होता है तो कंडीशन एग्जिस्ट था लेकिन हमको मालूम नहीं था क्योंकि आई कैन नॉट वेरीफाई द सिग्नेचर, तो ये एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा. बिना जमा किए अगर चेक लौटा दे रहा है तो नॉन एडजस्टिंग. चेक जमा अप्रैल में हो रहा है, क्रेडिट अप्रैल में हो रहा है, हमेशा नॉन एडजस्टिंग, भले ही वो मार्च या उसके पहले का क्यों ना हो. लेकिन अगर मेरा बंदा जाके कलेक्ट कर रहा है तो वहीं पे रिसीप्ट हो जा रहा है, ट्रांजैक्शन हो गया है, कंपनी का बंदा जाके चेक उठा के ला रहा है. अब कंपनी उसको बाद में जमा करेगी तो कंडीशन एग्जिस्टेड, बंदा पहले उठा के ले आया, जमा भी हो रहा है, तो ये इसी साल एडजस्टिंग दिखा देंगे इसको. लेकिन यहां पे नॉन एडजस्टिंग. सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से फ्रॉम दिस AS. ये AS हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज ही, दो इट वॉज अ लॉन्ग क्लास. बट व्हाट आई विल सजेस्ट यू ऑल इज जस्ट गिव अ प्रॉपर रीडिंग. आप लोग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भी पढ़ सकते हैं एंड उसमें यही सारी बातें लिखी होंगी जो मैंने आपको सिखाई हैं आज. सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ.